हाय गाइज, अपनी हर बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए ए टू जेड न्यूज लाइव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद पप्पू यादव पर मुजफ्फरपुर में किए गए हमले पर सियासी घमासान तेज हो गया है। घटना के बाद मुजफ्फरपुर में पूर्व काबीना मंत्री रमई राम ने इस घटना की तीखी निंदा की है। उन्होंने घटना के तुरंत बाद ए टू जेड न्यूज लाइव से विशेष बातचीत में इसकी तीखी निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए तथा दोषी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बार बार कहा है कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है तथा ये इस तरह की घटना बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने ए टू जेड न्यूज लाइव से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं उनकी बात स्पॉट लाइव। सांसद पप्पू यादव के साथ वो काफी दुखद और अशोभनीय और घोषणा मैं करता हूँ। कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के शासन काल में आज शासन का सुरक्षा नहीं हो रहा है तो इस राज्य के आम नागरिक समय सुरक्षा कतई संभव नहीं है। इसकी जितना भी भर्सना की जाए या कम है और नीतीश कुमार को इसको उच्चस्तरीय जांच करके जो दोषी व्यक्ति उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से करे और ये साबित करे कि किस लोगों ने जात के आधार पर जात के नाम लेकर इस घटना का अंजाम दिया है। और सांसद अपने आप को छिन्न भिन्न है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, करा रहा है, लेकिन इस शासन सुनने वाली नहीं है। ये हम पुनः इसकी भर्त्सना करते हैं। पूर्व मंत्री रमई राम ने भारत बंद के मामले में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अग्रिम पंक्ति के लोगों को दबे कुचले लोगों अकलियत के सम्मान से घबराहट पैदा हो रही है तथा उनमें जलन की भावना हो रही है। उन्हें मैं आगाह करना चाहता हूं कि गरीबों की एकता से हर किसी का जवाब मिल सकता है। उन्होंने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए खुद सुन लीजिए उनकी बात उन्हीं की जुबानी स्पॉट लाइव। जो गरीब शोषित दलित बहुत अकलियत के लोग पिछले लोग समाज में शोषित रहे हैं उनको जो सम्मान मिल रहा है इनको बहुत संकट महसूस हो रही है, दुख महसूस हो रही है, इनको जलन पैदा हो रहा है। लेकिन इनके कारनामे से देश के गरीब शोषित दलित अकलियत के लोग जो देश में सदियों से उपस्थित रहे हैं अगर एकजुट हो जाएंगे इनका चलना मुश्किल हो जाएगा। और यह देश को मजबूत करना नहीं चाहते हैं, देश को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। देश कमज़ोर होगा तो केवल हम लोग को नहीं नुकसान होगा, सबसे पहले ये सुविधा भोगी लोगों को नुकसान होगा। इसे आगाह करना चाहते हैं, अब इस तरह की घटना न कर घटे इसका अंजाम जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार है, जिनके पास सभी सुविधा प्राप्त है, इनको इस पर विचार करना चाहिए। स्वयं आरक्षण केवल लोगों को कोई सुख पहुँचाने के लिए नहीं है, जो दबे कुछ लोग जो उपेक्षित लोग हैं जो सदियों से उपचार के राह पर रहे हैं उनको बढ़ाने उन्हें सम्मान देने का यह कार्यक्रम है। उससे ये इनसे उनका जलन अजलसी पैदा हो रही है, यह समाज और देश के लिए हितकर नहीं है। इसलिए आज का जो उनका बंद का देश बंद करने का जो कार्यक्रम था ऐसे जो विफल रहा। आज देश में जो लोग बंद के आह्वान किए हैं एससी एसटी केस के लागू करने के विरोध में बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है, इसका मैं भर्त्सना करता हूँ। इसलिए जो सदियों से समाज का जो आगे रहकर सभी सम्मान को प्राप्त किया है, सभी सुविधाएं को प्राप्त किया है, और जो गरीब शोषित दलित बहुत अकलियत के लोग पिछड़े लोग समाज में शोषित रहे हैं उनको जो सम्मान मिल रहा है इनको बहुत संकट महसूस हो रही है, दुख महसूस हो रही है, इनको जलन पैदा हो रहा है। लेकिन इनके कारनामे से देश के गरीब शोषित दलित अकलियत
के लोग जो देश में सदियों से उपस्थित रहे हैं, अगर एकजुट हो जाएंगे तो इनका चलना मुश्किल हो जाएगा। और यह देश को मजबूत करना नहीं चाहते हैं, देश को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। देश कमजोर होगा तो केवल हम लोग को नहीं नुकसान होगा, सबसे पहले ये सुविधा भोगी लोगों को नुकसान होगा। इसलिए आगाह करना चाहते हैं, अब इस तरह की घटना न कर घटे। इसका अंजाम जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार है, जिनके पास सभी सुविधा प्राप्त है, इनको इस पर विचार करना चाहिए। स्वयं आरक्षण केवल लोगों को कोई सुख पहुंचाने के लिए नहीं है। जो दबे कुछ लोग, जो उपेक्षित लोग हैं, जो सदियों से उपचार के राह पर रहे हैं, उनको बढ़ाने, उन्हें सम्मान देने का यह कार्यक्रम है। उससे ये इनसे उनका जलन एजेंसी पैदा हो रही है, यह समाज और देश के लिए हितकर नहीं है। इसलिए आज का जो उनका बंद का देश बंद करने का जो कार्यक्रम था, ऐसे तो विफल रहा, कोई इसका देश पर असर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनमें राज्य और केंद्र सरकार की मदद से कुछ बंद हुआ है, लेकिन जनता उसमें भागीदारी नहीं ली है। हम बिहार और देश की जनता को इस काम के लिए वन विभाग नहीं लेने के लिए धन्यवाद देते हैं, उनको अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं और कहते हैं ऐसे असामाजिक कार्य में अपना सहयोग नहीं देंगे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। दीपक कुमार तिवारी, A2Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार। हेलो दोस्तों, गांव से शहर तक की हर बड़ी व एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप अपने पसंदीदा चैनल A2Z News Live.com को लाइक, शेयर एंड फॉलो करें।